कई कॉम्प्लेक्स या अननोन कंडीशंस और कंफ्यूजिंग ऑप्शंस के कारण मिडिल क्लास फैमिली को इन्वेस्टमेंट के डिफरेंट एवेन्यूज में इन्वेस्ट करना काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है। यह केवल कॉम्प्लेक्स लगता ही नहीं है बल्कि यह कॉम्प्लेक्स है भी। और इन्हीं सब कारणों से मिडिल क्लास फैमिली को ये समझ में नहीं आता है, काफ़ी मुश्किल होता है समझने में कि वो किस एवेन्यूज में इन्वेस्ट करें और कहाँ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आमतौर पर यह कहा जाता है कि बहुत जल्द पैसा बनाने का दो ही एवेन्यूज है, पहला है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और दूसरा है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले हम चर्चा करेंगे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट आज के दिन में थोड़ा मुश्किल हो गया है, जब से कैश ट्रांजेक्शन्स पे रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं, या यूं कह लें जब से ब्लैक मनी पे रिस्ट्रिक्शंस हुए हैं, तब से रियल एस्टेट में भी बेहतर पैसा बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है। वो ज़माना आज के दिन में नहीं हुआ कि रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करें और साल दो साल में वो रकम आपकी दुगनी या तिगनी हो जाएगी। अब एक ही वेन्यूज बचता है फॉर मिडिल क्लास फैमिली, दैट इज स्टॉक मार्केट। लेकिन स्टॉक मार्केट की एक अपनी समस्याएं हैं। सबसे पहली समस्या है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए यू नीड अपफ्रंट मनी। अपफ्रंट मनी मतलब आपको पैसे चाहिए इन्वेस्ट करने के, ठीक ठाक पैसे चाहिए। 150,000 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं स्टार्ट कर सकते। और यदि आपके पास, फॉर्चुनेटली मिडिल क्लास फैमिली के पास नॉर्मली पैसे काफ़ी कम होते हैं या नहीं होते हैं, फॉर्चुनेटली यदि आपके पास पैसे हैं तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग का पता नहीं है कि स्टॉक मार्केट में किस स्टॉक में करें, कब एग्जिट करें, कब इंटर करें, इसके लिए इट नीड्स द डीप अंडरस्टैंडिंग। और इन दो कारणों से एक इसका इन 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 दो कारणों से जो सबसे बेहतर लगता है एवेन्यूज, वो लगता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्यों आसान है और क्यों करना चाह रहे हैं, इस पर आगे चर्चा करने के पहले हम ये बता दें कि म्यूचुअल फंड आज का ही प्रोडक्ट नहीं है। लोग समझते हैं कि 10 साल 20 साल पुराना प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट बेसिकली सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ये 1963 में, जबकि US 64 आया था बाजार में। आपने नाम सुना होगा US 64 का। यदि आप मिड जनरेशन के हैं तो शायद आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यदि आप थोड़े से एल्डर स्टेज में हैं तो आपने US 64 का नाम जोर सुना होगा। US 64 63 से 1987 तक चला और उसके बाद ये बंद हो गया। और पहला फेज जो था म्यूचुअल फंड का, पहला फेज स्टार्ट हुआ 1963 में। दूसरा फेज स्टार्ट हुआ 1987 से 1993 के बीच। इस बीच में पब्लिक सेक्टर बैंक्स म्यूचुअल फंड में इंटर किए, और सबसे पुराना पब्लिक सेक्टर में म्यूचुअल फंड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, AMC। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर म्यूचुअल फंड। ये करीब 93 तक चलता रहा। 93 के बाद एक थर्ड स्टेप आया जिसमें प्राइवेट सेक्टर के प्लेयर्स भी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में उन्होंने हाथ आजमाया। 2003 तक चला, फिर 2003 से 2004 तक 14 तक एक फेज चला, और आज के दिन में 2014 से आगे जो चल रहा है ये हमारा करंट फेज है। और सबसे बड़ा जो रिवॉल्यूशन हुआ ये हुआ 1993 में, जबकि एक न्यू प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में आया, दैट इज कॉल्ड SIP, जो आमतौर पे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको आमतौर के बोलचाल की भाषा में SIP सब जानते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है आज के दिन में, यदि SIP की बातें करें तो आज लो क्लास से लेकर हाई क्लास इन्वेस्टर्स तक, HNI तक, हर आदमी SIP के बारे में जानता है। अब हम चर्चा करेंगे वो कौन से कारण हैं जिन कारणों से मिडिल क्लास फैमिली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना कंफर्टेबल फील करते हैं। सबसे पहला कारण है इजी टू स्टार्ट एंड एफोर्डेबल। यहां देखें, इजी टू स्टार्ट और एफोर्डेबल, यहां दो कारण है। पहला, इसको शुरू करना बहुत ही आसान है, और ये आप भी, मीन्स मिड क्लास फैमिली या लो क्लास फैमिली जो इनकम ग्रुप के हिसाब से हैं, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब नो द मेन क्वेश्चन, हाउ इट इज इजी टू स्टार्ट। सामान्य अवस्था में यदि आप कंप्यूटर सेवी हैं, आप एंड्रॉयड यूज करते हैं या डेस्कटॉप यूज करते हैं, जो भी यूज करते हैं आप, या कंप्यूटर सेवी हैं, तो आप जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके वेबसाइट पे जाएं, देखें, नेविगेशन काफ़ी आसान है। किस में करना चाहते हैं, इक्विटी में, डेट में। इक्विटी में करना चाहते हैं स्मॉल कैप, मिड कैप,
लार्ज कैप या फ्लैक्सी कैप किस में वो करें, और साथ में ये रखें, यदि पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। ये ख्याल, बिकॉज आज के दिन में KYC नॉर्म्स वेरी, नो योर कस्टमर नॉर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और नो योर कस्टमर के लिए आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और आपका किस बैंक में अकाउंट है, कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यदि पर्सनलाइज चेक है, पर्सनलाइज चेक मीन्स यदि आपके चेकबुक के नीचे सिग्नेचर के जगह पे आपका नाम लिखा हुआ है, जो पर्सनलाइज चेकबुक होते हैं वो यदि है, इन चार चीज़ों को स्टार्ट रखें। आप यदि ऑनलाइन भी जाएंगे तो इन चार चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और यदि आप कंप्यूटर से भी नहीं हैं, आप चाहते हैं कि हमें ये नहीं आता है, हमें कुछ और करना चाहिए, तो आप देख लें, दो तीन चीज़ों को याद रखें। जिस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी ऑफिस कहीं क्या आपके जिस शहर में रहते हैं उसके आसपास है, नंबर दो, यदि वो नहीं है तो दो ऑफिस का नाम रखें, केम्स और केफिनटेक, इन दोनों में से कोई एक ऑफिस का है, आप वहां जाएं और बताएं कि आपको किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, वो फॉर्म देंगे और आपको जो चारों डॉक्यूमेंट बताया है वो रेडी रखें, वो भर के उसको दें, आपका ये इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ये तो हुआ स्टार्ट करने के बाद। इसके बारे में जो मैंने बताया क्या क्या चीज़ चाहिए, इसके बारे में हमारा पूरा प्लेलिस्ट म्यूचुअल फंड का है, उसमें जो ज़रूरतें हैं आप वो जाके रेस्पेक्टिव वीडियो आप देख सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भी यदि कुछ और जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, हम उसको देखते हैं, फिर अकॉर्डिंगली उसका हम जवाब दिया करेंगे। नंबर दो, इट इज एफोर्डेबल। एफोर्डेबल मींस हर आदमी के पहुंच का है, 100 रुपये, 500 रुपये, 2000, 5000, जितना इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज के दिन में जब SIP स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे जो मिनिमम है वो 500 रुपये पर मंथ का है। हालांकि अभी रिसेंटली जो सेबी के चेयरपर्सन है मिसेस माधवी पुरी बुच, उन्होंने राइजिंग समिट 2024 में बातचीत के क्रम में बताया कि ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर मंथ 500 रुपये है, इसको बहुत जल्द सेबी 250 रुपये पर मंथ करने जा रही है। हालांकि एक बात और सच है कि बहुत सारे MCs आज के दिन में भी ऐसे हैं जो माइक्रो SIP प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपीज पर मंथ ही है। सो इट्स क्वाइट इजी टू स्टार्ट एंड अफोर्डेबल, ये मिड क्लास फैमिली के पहुंच में है। नंबर दो, एक्सपर्ट्स डू द वर्क। जैसे मैंने पहले चर्चा की कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना, समझते हैं कि पैसे जल्दी बनते हैं उसमें, लेकिन आपको ना अधिक पैसे हैं ना आपको स्टॉक मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन यदि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो इस काम के लिए हर MCs का एक फंड, हर स्कीम का एक फंड मैनेजर होता है। फंड मैनेजर इज जस्ट लाइक ए क्रिकेट टीम का कोच, जिस तरह से होता है उस तरह का कोच है, जिसमें वो कोच ये जानता है कि उनके जो प्लेयर्स हैं 10 20 18 जो भी प्लेयर्स हैं उनके स्क्वाड में हैं, उसमें कौन सा प्लेयर अच्छा बैट्समैन हो सकता है, कौन सा प्लेयर अच्छा बॉलर हो सकता है, कौन सा प्लेयर। ऑलराउंडर हो सकता है। उसी हिसाब से फंड मैनेजर जो है वो जानता है कि जो उस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है उसके हिसाब से उसको किस स्टॉक में कब इंटर करना चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए, उसके लिए वो एक्सपर्ट बैठा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल स्कीम के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्कीम को सिलेक्ट करना है और पैसे इन्वेस्ट करना है। नंबर तीन, इट इज सेफ एंड ट्रांसपेरेंट। बहुत को लगता है कि पता नहीं पैसे म्यूचुअल फंड में मैं लगाऊं, कल म्यूचुअल फंड वाला भाग जाए, कुछ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले सेफ म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनका मुख्य काम है जो इन्वेस्टर्स हैं स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। वो कोई म्यूचुअल फंड जब अपना NFO निकालता है उसके लिए उस म्यूचुअल फंड को रजिस्टर्ड करना पड़ता है सेबी के साथ, और सेबी जब रजिस्टर्ड करता है उसे कुछ रूल रेगुलेशंस हैं। सो ये देयर इज ए मियर चांस कि कोई म्यूचुअल फंड वाला आपका पैसा लेके भाग जाए। सो इट्स क्वाइट सेफ एंड ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, आज आपने 1000 रुपये या 500 रुपये किसी पर्टिकुलर स्कीम्स में लगाए तो कल वो कितना उसका वैल्यू हो गया, उसकी NAV कितनी हो गई, वो डे टू डे में जाके आप देख सकते हैं। इट्स क्वाइट ट्रांसपेरेंट।
यदि आपको बाय करना है तो उस दिन का जो रेट होगा, जो सेबी का रेगुलेशंस है, उसके हिसाब से रेट मिलेंगे आपको। यदि आपको उस दिन सेल करना है, मीन्स पैसे चाहिए वापस आपको, तो जो उनके टाइम लिमिट है उसके पहले यदि आप रिक्वेस्ट कर देंगे तो कौन सी एनएवी मिलेगी ये प्री डिसाइडेड है। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं है कि कोई अधिक स्मार्ट चैप था, उसने कम में लिया और अधिक में बेचा, ऐसा नहीं हो सकता। सबके लिए ट्रांसपेरेंट है, हर आदमी इसको देख सकता है, जान सकता है। हालांकि ये बात भी सच है कि एवरीडे का एनएवी देखने के लिए आपको कंप्यूटर से भी होना जरूरी है, सो दैट यू कैन सी द परफॉर्मेंस ऑफ योर फंड डेली। हालांकि कहा जाता है कि म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेली इसका मूवमेंट ना देखें, क्योंकि ये तो मार्केट है, मार्केट स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट में रिस्क है तो कभी ये ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, लेकिन जैसा मैं बार बार कहता हूँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट यदि करना हो तो लंबे टाइम होरिजन के लिए, सो डेली देखना इसमें जरूरी नहीं है। चौथा कारण है, इट्स सेफ ऑन टैक्सेस। ये टैक्सेस के लिए, टैक्सेशन के लिहाज से सेफ है। फ्रेंड्स ये बता दूं मैं कि म्यूचुअल फंड में यदि कुछ आपके कॉर्पस 1000 रुपये के 1500 रुपये हो गए, तो जो 500 रुपये हैं उस पर कुछ ना कुछ टैक्सेस का प्रोविजन है, और ये जो 500 रुपये के इनकम होते हैं, इस इनकम को कहते हैं आप कैपिटल गेन। कैपिटल गेन फ्रेंड्स, यदि आपको कैपिटल गेन के बारे में जानकारी है तो अच्छी बात है। यदि इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके कैपिटल गेन के बारे में आप देख सकते हैं। वैसे ये बर्ड्स आई व्यू बता दूं, कितने समय आप म्यूचुअल फंड को होल्ड करते हैं उसके हिसाब से जो गेन होता है वो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गेन होते हैं, और दोनों गेन के अलग अलग इम्प्लीकेशन है टैक्सेस के। सो इसमें टैक्सेस का भी सेविंग होता है। और अंतिम कारण है, इट इज़ फ्लेक्सिबल फॉर योर नीड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने जस्ट कैरियर स्टार्ट किया है, हो सकता है आप मिड एज के हैं, हो सकता है आप रिटायरमेंट एज के हैं, हो सकता है आप सीनियर सिटीजन हो। हर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आपने कैरियर स्टार्ट किया हुआ है, आपके पास लॉन्ग स्पेन ऑफ लाइफ अभी है, 40 50 60 70 साल है, इट इज बेस्ट यू कैन गो फॉर स्मॉल कैप फंड्स। फॉर एग्जाम्पल, समबडी सीनियर सिटीजन एंड ही इज इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड, उसके लिए लार्ज कैप बना है या डेट फंड बने हैं, इट ऑल डिपेंड्स द परसेप्शन ऑफ द इन्वेस्टर्स। आप मिड एज के हैं, चाहते हैं कि रिटायरमेंट में आपको कॉर्पस ठीक ठाक हो, उसके लिए रिटायरमेंट फंड है। आप चाहते हैं कि 15 साल के बाद बच्चों के एजुकेशन के लिए कुछ पैसे चाहिए, हाउस के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए एक अलग तरह के फंड्स हैं। सो ये म्यूचुअल फंड फ्लेक्सिबल है, जो नीड आपका है, और हर आदमी का, हर इन्वेस्टर्स का नीड अलग अलग करते हैं। तो इसीलिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है ये डिपेंड करता है आपके परसेप्शन पे, आपके नीड पे। सो इन 4-5 कारणों के कारण ही, बिकॉज ये पांचों के पांचों कारण जो है, जो मिडिल क्लास फैमिली प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, और इन्हीं सब कारणों से मिडिल क्लास फैमिली के लिए आज के दिन में। जो ब्लू ऑयल इन्वेस्टमेंट है वो केवल म्यूचुअल फंड है, लेकिन फ्रेंड्स ये ध्यान रखें, जैसे कहते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज गो थ्रू देयर डॉक्यूमेंट्स बिफोर इन्वेस्टमेंट। मतलब रिस्क जनाब, इन्वेस्टमेंट है तो रिस्क तो होगा ही होगा, केवल इनके पॉजिटिव पक्ष नहीं बल्कि निगेटिव पक्षों पर ध्यान दे के ही आप इन्वेस्ट करें, आंख मूंद के इन्वेस्ट ना करें। थैंक यू।